नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत मेहता और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। फ्रेंड्स, इससे पीछे वाली जो कल की जो क्लास हुई थी, उस कल वाले क्लास में हमने भक्ति काल का सामान्य परिचय पढ़ा था और उसमें हमने भक्ति काल को चार भागों में बांटा था, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और रामदास काव्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भक्ति काल में आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं संत काव्य के टॉपिक को। और संत काव्य में भी हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेंड्स संत कबीरदास जी को। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, इन्हें अपने पास मंगवाने के लिए ये जो मेरे नंबर हैं 9887465 नंबर पर फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो टॉपिक आपको चाहिए, उस टॉपिक का नाम लिखकर, तो वो नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। फिर आप चाहें तो उनका प्रिंटआउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू करते हैं कबीरदास जी को। और कबीरदास जी की जो छोटी से छोटी बातें अपनी तरफ से कोशिश करूंगा वीडियो में बताने की, कंटिन्यू देखते रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स देखिए, कबीर जी का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में और इनका निधन हुआ 1518 ईस्वी में। यानी इनका जन्मकाल 1398 ईस्वी है, निधनकाल 1518 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान है काशी, काशी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन स्थान है मगहर, मगहर में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण इन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण, यानी कि समाज क्या कहेगा उस बात के कारण, इन्होंने कबीर जी को काशी में एक तालाब है लहर तारा तालाब, उसके किनारे छोड़ दिया। फ्रेंड्स, ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कबीरदास जी की जो माँ थी, ये एक विधवा ब्राह्मणी थी। तो एक दिन इनके घर पर, इनकी कुटिया पर एक महात्मा पहुँचे, तो उस समय ये घर में अकेली थी और कोई घर में था नहीं। तो इन्होंने जैसे ही महात्मा जी की सेवा सत्कार की, तो उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भवय, यानी कि पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उन्हें पता नहीं था कि ये विधवा है, और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कबीरदास जी का जन्म हुआ। लेकिन समाज के भय के कारण इन्होंने कबीरदास जी को त्याग दिया, ये कहानी लिखी हुई मिलती है। फ्रेंड्स, जैसे ही इनकी माता ने इन्हें त्याग दिया, तो इनका जो पालन पोषण किया था वो एक जुलाहा दंपति थे, नीरू व नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। यदि हम बात करें कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो फ्रेंड्स इनके दो गुरु थे, एक हिंदू गुरु और एक मुस्लिम गुरु। तो इनके हिंदू गुरु थे स्वामी रामानंद और इनके मुस्लिम गुरु थे शेख तकी। ये दोनों इनके गुरु थे, दोनों अलग अलग आप याद रखें, हिंदू गुरु स्वामी रामानंद और मुस्लिम गुरु शेख तकी थे। आगे देखें फ्रेंड्स, बात करें यदि हम इनके परिवार की, देखिए इनकी दो पत्नियाँ थी, एक का नाम लोई था और दूसरे का नाम रमजनिया या धनिया था, रमजनिया आप कह सकते हैं आप या धनिया कह सकते हैं। जो लोई थी वो इनकी परिणीता थी, परिणीता यानी कि जिसके साथ इनके प्रेणे संस्कार हुआ था, जिसके साथ इनका विवाह हुआ था। और जो रमजनिया या धनिया जिसे आप कह सकते हैं, वो इनकी रखेल मानी जाती है। इनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली थी, और बताया जाता है कि इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवित्री मानी जाती है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को शधुकड़ी भाषा कहा और आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा था। ये फ्रेंड्स आप याद रखें कि शुक्ल जी ने इनकी भाषा को शधुकड़ी भाषा कहा है। पूछा जा सकता है कि किसने कबीर की भाषा को शधुकड़ी भाषा कहा, शुक्ल जी ने शधुकड़ी भाषा कहा और आचार्य द्विवेदी जी ने पंचमेली खिचड़ी कहा। साथ ही द्विवेदी जी ने इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा है और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहा है। यहाँ फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण है कि वाणिका डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा, डिक्टेटर का अर्थ होता है फ्रेंड्स तानाशाह, वाणिका तानाशाह किसने कहा, द्विवेदी जी ने कहा। द्विवेदी जी ने इनके बारे में लिखा है कि ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त, स्वभाव से थक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरी और भेषधारी के लिए प्रचंड। ये द्विवेदी जी ने कबीर के बारे में लिखा है। और शुक्ल जी ने भी इनकी प्रशंसा में लिखा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन डाल दिया जाए कि शुक्ल जी का कथन प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी,
तो यहाँ उनमें शब्द किसके लिए आया है फ्रेंड्स? ये जो उनमें शब्द है ये कबीर जी के लिए इन्होंने यूज किया है कि कबीर जी में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये हुआ फ्रेंड्स कबीरदास जी का परिचय। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की रचनाएं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें इनकी रचना बीजक। तो बीजक यानी कि कबीरदास द्वारा रचित पदों का संकलन है ये। इनकी स्वयं की यानी कि कबीर जी जो थे वो स्वयं लिखते नहीं थे, उनके द्वारा जो बोले गए पद हैं उन पदों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक के नाम से किया था। उनके जो पद हैं उन पदों को एक जगह संकलन किया, उनको इकट्ठा किया उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक के नाम से इसका संकलन किया और लिपि तैयार हुई। बीजक तीन भागों में विभक्त है, एक शाखी। सबसे पहला इसका जो भाग है वो शाखी, पूरे बीजक को तीन भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है शाखी। शाखी का अर्थ साक्षी या गवाह लिया जाता है। इसमें कबीर ने आँखों देखे विषय का वर्णन किया है। भवसागर में डूबते हुए जीवों का उद्धार करना ही साखी का प्रमुख उपदेश है और इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। साखी का विभाजन जो किया गया है वो फ्रेंड्स 59 अंगों में किया गया है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को अंग और इसका अंतिम अंग अभिहर को अंग है और इसकी भाषा साधु कड़ी है। 59 अंगों में इसका विभाजन किया, आप प्रथम और अंतिम अंग याद रख लें। इसका प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग और इसका अंतिम अंग है अभिहर को अंग। बीजक को फ्रेंड्स हमने देखा तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग था साखी, दूसरा भाग है शब्द। इस भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है और इनकी भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा में कबीर जी ने पद लिखे थे उन पदों को शामिल किया गया शब्द में। और तीसरा भाग है फ्रेंड्स रमैनी, नाम से पता लग रहा है, देखिए राम, राम से संबंधित है। इस भाग में कबीरदास के राम भक्ति संबंधित चौपाइयों को शामिल किया गया है और इसकी भाषा ब्रज है। फ्रेंड्स यहाँ एक बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कबीरदास जी तो निर्गुण थे, वो तो सगुण यानी कि राम या कृष्ण को मानते ही नहीं थे, तो उन्होंने राम भक्ति संबंधी चौपाइयाँ कैसे लिखी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं, अयोध्या वाले दशरथ पुत्र राम को कबीर ने राम नहीं कहा, अपितु उन्होंने परमपिता परमेश्वर निर्गुण ब्रह्मा को ही राम कहा है। तो राम से संबंधित जो इन्होंने चौपाइयाँ लिखी हैं उनका संकलन किया गया है रमैनी में। हम बात करें इनकी अन्य रचनाएँ, तो इनकी अन्य रचनाएँ अगाध मंगल, अनुराग सार, अमर मूल, उग्र गीता, विचारमाला, ज्ञान सागर, विवेक सागर और शब्दावली। फ्रेंड्स ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको याद रखना है वो बीजक के बारे में याद रखना है। और उसमें भी लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजक का संकलन किसने किया, तो आंसर होगा धर्मदास। ये फ्रेंड्स इनकी रचना बीजक के बारे में। और अब लास्ट बात करते हैं कि कबीर की भाषा पर रचित या संकलित अन्य ग्रंथ, कि कबीर की भाषा पर और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। देखिए एक ग्रंथ है कबीर की भाषा और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर महेंद्र। दूसरा है कबीर की भाषा का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवत प्रसाद दुबे। तीसरा है कबीर ग्रंथावली, इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास और माता प्रसाद। कबीर समग्र के रचनाकार हैं डॉक्टर योगेश्वर और कबीर नामक रचना के रचनाकार हैं आचार्य अज्जारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर ग्रंथावली की भाषा के रचनाकार हैं बिंदु माधव मिश्र और कबीर बीजक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन के रचनाकार हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह। फ्रेंड्स यहाँ से आप दो महत्वपूर्ण हैं उन्हें याद रखें, एक तो कबीर समग्र और एक कबीर। तो इस कबीर समग्र के रचनाकार हैं डॉक्टर योगेश्वर और कबीर नामक रचना के रचनाकार हैं आचार्य अज्जारी प्रसाद द्विवेदी। ये था फ्रेंड्स संत कबीरदास जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगा वो आपको बता दिया। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आगे कंटिन्यू और हम ऐसे ही रोज़ाना कक्षाएँ पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।